हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं CKPS स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं छोटू कुमार, आज का जो मेरा क्लास होगा क्लास टेंथ का जो किया है साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। क्लास टेंथ का फाइनल एग्ज़ाम का रिवीजन वीडियो है। अगर आप क्लास टेंथ में बोर्ड का बिहार बोर्ड का आप जो किया है एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में, तब इस वीडियो को जो किया है शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होता है तो आपको मिलता रहेगा। तो समय को ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा क्वेश्चन पे ले चलूँगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, करा कि सामान्य नेत्र के लिए जो कि है सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए में है 25 मीटर, बी में करा 2.5 मीटर, सी में करा 25 सेंटीमीटर, डी में करा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी होगा, 25 सेंटीमीटर, जो कि सामान्य नेत्र के लिए यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी को हम जो कि स्पष्ट रूप से उसे देख सकते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो कि यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कार्निया, बी में है जो कि पारितरिका, सी में पुतली, डी में जो कि दृष्टिकोण। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी होगा, दृष्टिकोण जो होता है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे हम दृष्टिकोण कहते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। करा क्वेश्चन करा कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो ऑप्शन ए में उत्तल, बी में अवतल, सी में बेलनाकार, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, 3 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि निकट दृष्टि दोष को अगर हम दूर करने के लिए लेंस लगाएंगे तो अवतल लेंस लगाएंगे तो हमें जो कि दूर की वस्तु दिखाई ठीक रूप से देगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है उत्तल, बी में अवतल, सी में अब जो कि ब्लयाकार, डी में बाइफोकल। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, 4 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए होगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस जो कि है मानव नेत्र में होता है, जो कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्त, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में अवतल लेंस, डी में उत्तल लेंस। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, 5 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी होगा, उत्तल लेंस जो होता है सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करा कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए में कांच की सिल्ली, बी में अवतल दर्पण, सी में उत्तल दर्पण, डी में प्रिज्म। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रिज्म जो होता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका हम उपयोग करते हैं, तो प्रिज्म का उपयोग करेंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है करा कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है। तो ऑप्शन ए में है अपवर्तन, बी में है प्रगिनन, सी में परावर्तन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए होगा, परावर्तन जो होता है अपवर्तन जो होता है आकाश को नीला रंग होना किस परिघटना को परिणाम होता है। तो अपवर्तन होता है, अगर अपवर्तन के कारण जो कि प्रकाश जो कि है प्रकाश नीला रंग दिखाई देगा, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो किस द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन ए में है जो कि पारितरिका द्वारा, बी में करा पुतली द्वारा, सी में करा दृष्टिपटल द्वारा, डी में करा कि पश्चिम
पचमा भी पेशियों द्वारा। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी होगा, पचमा भी पेशियों द्वारा जो कि है अभिनेत्र की लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी को हम परिवर्तन यानी चेंज कर सकते हैं, जो कि एक ऐसे पचमा भी पेशियों द्वारा जो कि है उस हम लेंस को फोकस दूरी हम चेंज कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो कि है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए में बैंगनी, बी में लाल, सी में नीला, डी में पीला। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का जो कि है सबसे ज़्यादा अधिकतम होता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, आँख के इस गुण को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, ऑप्शन ए में जो कि दृष्टता कहेंगे, बी में कह रहा है कि समझन क्षमता, सी में कह रहा है निकट दृष्टि दोष, डी में कह रहा है जरा दृष्टि दूरदर्शिता। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि है आँख में जब अपने लेंस को फोकस दूरी को हम बदल कर दूर की निकट वस्तु को साफ साफ देख सकता है, तो हम उसे जो कि है समंजन क्षमता कहते हैं, यानी जो कि अंदरूनी क्षमता उसे कहेंगे, यानी समंजन क्षमता। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है करा कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा प्रवर्तित होती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, ऑप्शन ए में पुतली, बी में रेटिना, सी में सिलियरी का जो कि पश्चिमाभिसरणी पेशिया, डी में जो कि परितारिका। यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी होगा, सिलियरी का जो पश्चिमाभिसरणी पेशिया जो होता है दूरियों को वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए हम आँख में जो लेंस का उपयोग करते हैं उसे जो कि परिवर्तित कौन करेगा, यानी अब परिवर्तित यानी चेंज कौन करेगा, तो सिलियरी का पश्चिमाभिसरणी पेशिया करेगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना है। तो ऑप्शन ए में है निकट दृष्टि दोष में, बी में करा दूर दृष्टि दोष में, सी में करा जरा दृष्टि दोष में, डी में करा कि अभिन्न दुखता में। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, 12 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी होगा, दूर दृष्टि दोष में, जो कि किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना यानी आँख के पीछे बना प्रतिबिंब को हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष वाली आँखें साफ साफ देख सकती है, तो क्या देख सकती है, दूर की वस्तुओं को, बी में करा निकट की वस्तुओं को, सी में करा केवल बड़ी वस्तुओं को, डी में करा छोटी वस्तुओं को। दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकता है, तो दूर दृष्टि दोष हम जो कि उत्तल लेंस का प्रयोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी दूर दृष्टि दोष में हमेशा जो कि दूर की वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि है 14 करा दूर दृष्टि दोष वाले जो कि है मनुष्य को किस प्रकार के लेंस के चश्मे पहनना चाहिए। तो दूर दृष्टि लेंस में जो कि है उत्तल या अभिसारी लेंस उसे पहनना चाहिए, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर पंद्रह है करा दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य की आँखें को साफ साफ नहीं दिखाता है, उसका क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए में है दूर की वस्तु, बी में करा निकट की वस्तु, सी में करा बड़ी वस्तु, डी में करा अनंत की वस्तु। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो दूर दृष्टि दोष को अगर हम साफ साफ नहीं देख सकते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस मनुष्य में निकट दृष्टि दोष होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करा कि जरा दूरदृष्टता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो ऑप्शन ए में अभिसारी, बी में अपसारी, सी में अवतल, डी में बाईफोकल। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन डी होगा, बाईफोकल जो होता है, जरा दूरदृष्टता का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, तो बाईफोकल लेंस से किया जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करा निम्न में सबसे कम विचलन
किस वर्ण में होता है? तो ऑप्शन ए में है लाल, बी में पीला, सी में बैंगनी, डी में हरा। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए होगा, लाल जो होता है निम्न में सबसे कम विचलन किस वर्ण में होता है, तो लाल रंग में होता है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो कि है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर अठारह है, कह रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो ऑप्शन ए में बैंगनी, बी में हरा, सी में लाल, डी में नीला। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी होगा, लाल जो होता है प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग का जो कि तरंग दैर्ध्य बिल्कुल अधिकतम होगा, यानी ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, उन्नीसवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा पर चला जाएगा तो उसका आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, ऑप्शन ए में श्वेत, बी में नीला, सी में काला, डी में लाल। तो जब चंद्रमा पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर अगर आकाश में देखेगा तो उसको जो कि काला नज़र आएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बीस है, कह रहा है किस माध्यम से में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहते हैं? तो ऑप्शन ए में कोलाइड, बी में प्रकीर्णन, सी में मध्यम के कण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, कोलाइड जो होता है, हम जो कि कोलाइड के माध्यम से जो कि छोटे छोटे कणों को भी साफ साफ वस्तु को देख सकते हैं, कोलाइड लगाकर अगर हम छोटे छोटे वस्तु को माध्यम से साफ साफ उसे देख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इक्कीस है, करा किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो कि है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए में है, करा आर बराबर वी गुने वी वी इंटू आई होगा एल है सॉरी बी बी में है करा आर बराबर एल वाई वी, सी में करा आर बराबर वी वाई एल, डी में करा आर वाई वी माइनस एल। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा जो दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी होगा, जो कि किसी कुंडली का प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात करना होगा तो हम किस सूत्र का उपयोग करेंगे? तो R बराबर वी वाई एल को, एल हमारा सूत्र होता है, इसी को हम जो कि है उपयोग करेंगे तो हमारा जो कि प्रतिरोध निकल कर आएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो कि है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बाईस है, कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो कि है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, करा एक वोल्ट कहलाता क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया 1 जूल बाई सेकेंड, बी में करा 1 जूल बाई कूलम, सी में है 1 जूल बाई एम्पियर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी होगा, यानी 1 जूल बाई कूलम जो होता है 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन ए में श्रेणी क्रम में, बी में करा कि प्रश्नवर्ध में, सी में करा ए और बी दोनों, डी में करा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा, अमीटर को विद्युत परिपथ में हम कैसे जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में उसे जोड़ेंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, करा यदि ए और बी दो प्रतिरोध जो कि है प्रश्न क्रम में जुड़े हो तो उनका जो कि है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, ऑप्शन ए में ए से अधिक हो जाएगा, बी में करा बी से अधिक होगा, सी में करा दोनों होगा, डी में करा ए और बी दोनों से कम होगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ए और बी दोनों प्रतिरोध प्रश्न क्रम में जुड़े हो तो उनका जो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा ए और बी से जो कि है दोनों हमारे जो कि उससे जो कि कम होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।